हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वेलकम टू माय चैनल। तो ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा, इसे मैं आज क्रिएट करूँगी। ये एक पार्टी मेकअप लुक है, आप इसे बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं घर पर ही, किसी सैलून में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने अपनी कोई भी एक रैंडम लिपस्टिक, जैसा भी लुक आप क्रिएट करना चाहते हैं वो ले ली है। अपनी आईलिड्स पर इसको अच्छे से लगा लिया है। अब एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं इस आई शेडो को, लिपस्टिक को अच्छे से अपनी आईज़ पर धीरे धीरे स्लोली ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, पहले आप आउटर कॉर्नर पर ब्लेंड करो, उसके बाद आप धीरे धीरे इनर कॉर्नर पर चले जाओ। इसके बाद मैंने क्या किया, एक न्यूट्रल आई शेडो लिया जो इस लिपस्टिक के मैच का ही था, उसको मैंने अच्छे से अपनी आईज़ पर इसको ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो आई शेडो का लुक है वो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा और आपको धीरे धीरे अपना आईलिड के ऊपर कलर आपको डिपॉजिट करते जाना है। आपको देखते रहना है कि आई शेडो का कलर आपको जैसा चाहिए, जैसी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं वैसी आप अपनी आईज़ पर ले आइए। फिर मैंने एक ब्राउन कलर का आई शेडो लिया और अच्छे से उसको अपनी क्रीज के अंदर मर्ज कर दिया। फाइनली मैंने अपना ये पर्पल कलर का ग्लिटर अपनी आईलिड पर लगाया, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। मुझे एक पार्टी मेकअप लुक चाहिए था, स्पेशली मैंने पार्टी मेकअप की रिक्वेस्ट मेरे पर आ रही थी, तो इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। गाइस, इसमें मैं अपने आईज़ का मेकअप ट्यूटोरियल ही आपको शो कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं गाइस किसी पार्टी मेकअप के साथ साथ मैं अपने बेस मेकअप का ट्यूटोरियल भी आप लोगों से शेयर करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मुझे ये भी बताना कि आपको ये पार्टी मेकअप लुक कैसा लगा। मैंने इस लुक के लिए कैट आईज़ को बनाया था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, तो मैंने सोचा चलो इस बार यही आईज़ को हम ट्राई करते हैं। आप कोई भी एक आईलाइनर ले लीजिए, इसके लिए मैंने बहुत ही पतली टिप वाला आईलाइनर लिया है, जिसकी हेल्प से आप कैट आई जो आप लाइनर बनाओगे वो बहुत ही अच्छे से आईज़ पर लग जाएगा। तो गाइस, ये आईलाइनर लगाने के लिए आप अपने मिडिल पार्टीशन से स्टार्ट करो और उसके बाद धीरे धीरे अपना विंग बनाना शुरू कर दो। जब आप अपना आउटर विंग बना लोगे तो धीरे धीरे अपने आईलाइनर को अंदर की तरफ लेते जाओ और धीरे धीरे पतला एक आईलाइनर का लाइन ड्रॉ कर लो। उसके बाद अपनी आईज़ के इनर कॉर्नर पर छोटा सा आप आईलाइनर से एक आर्च बना लीजिए, बहुत ही अच्छा दिखाई देता है और इसमें इतना कोई ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए, मैंने भी धीरे धीरे करके इसको फाइनली लगा ही लिया। उसके बाद मैंने अपनी लोअर लिड पर भी सेम आई शेडो को लगाया है जो कि मैंने अपनी अपर लिड पर लगाया था, मैट वाला, ग्लिटर वाला नहीं, मैट वाला। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। देखो गाइस कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली मैं अपनी आईज़ को मस्कारा लगा के कोट कर लूँगी। मैंने यहाँ पर फॉल्स लैशेज़ को पेयर नहीं किया है, क्योंकि मुझे फॉल्स लैशेज लगाना इतना पसंद नहीं है और मेरी लैशेज़ की लेंथ भी अच्छी है, तो मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। देखो मस्कारा लगाने के बाद आईज़ कितनी प्यारी लग रही है। इसके बाद मैंने एक ट्रांजिशन दिया है और ये देखो मेरी दोनों आईज़ तैयार हो गई। मैंने बोल्ड आईज़ बनाई हैं, तो मैंने सोचा कि लिप्स को थोड़ा न्यूड ही रखना चाहिए, इसके लिए मैंने अपने लिप्स को एक ब्राउन लिप लाइनर से आउटलाइन कर लिया है। आउटलाइन में मैं एक न्यूड लिपस्टिक को फिल कर दूंगी। पर ये न्यूड लिपस्टिक मैंने लगाने पर देखा कि मेरे फेस को थोड़ा वॉश आउट कर रही थी, मेरी स्किन टोन के साथ ये इतना नहीं जा रहा था, तो फाइनली मेरा मूड चेंज हो गया। इसके बाद मैंने दूसरे एक सेम ही ये जो आई शेडो मैंने अपनी आईज़ पर लगाया है, इसे अपने लिप्स पर एज अ लिपस्टिक की तरह मैंने लगा लिया है, जो कि फाइनल लुक में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैंने अपने मेकअप को ब्लश के साथ कंप्लीट कर दिया है। मैंने बेस मेकअप इस वीडियो में नहीं शो किया है, लेकिन बाकी का मेकअप मैंने आपको दिखा दिया है कि आप कैसा कर सकते हैं। थोड़ा ही ब्लश मैंने लगाया है, वैसे तो मुझे ब्लश ज़्यादा लगाना ही पसंद है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल करते हुए थोड़ा ही लगाया। और लास्ट में मैंने हाइलाइटर लगाया है, क्योंकि हाइलाइटर इज़ मस्ट इस लुक के लिए, हाइलाइटर आपको अच्छे से लगाना है। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, बिकॉज मेकअप इज़ योर चॉइस, आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करें। फाइनली मैंने फिक्सर लगाकर अपने मेकअप को सेट कर लिया है और ये देखिए मेरा ग्लैम पार्टी मेकअप लुक।
तो गाइस ये मेकअप लुक आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपने बालों को स्ट्रेट नहीं किया है, ये मेरे नेचुरल हेयर का टेक्सचर है, मेरे बाल नेचुरली थोड़ा स्ट्रेट ही लगते हैं। तो मेरा वीडियो गाइस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलती हूँ आपसे ऐसी ही एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।